फ्रेंड्स मैं हूं श्वेता वेलकम टू माय चैनल एंड श्वेता आज मैं बनाने वाली हूं साबुदाने का खीर तो चलिए बनाते हैं साबुदाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहां लिया है हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा साबुदाना मीडियम साइज का साबुदाना मैंने यहां लिया है इसे अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे तीन चार पानी से साफ़ करने के बाद इसे रात भर पानी में फूलने के लिए छोड़ दूंगी अगर रात भर का टाइम ना हो तो चार पाँच घंटे तो ज़रूर ही छोड़ देना है इसे फूलने के लिए फूलने के कारण ये साबुदाना बनाने में बस पंद्रह मिनट का टाइम लगता है इसे मैं मसल कर चेक कर रही हूँ कि ये पूरी तरीके से हुआ है या नहीं आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से मसला जा रहा है मैं यहाँ गाय का एक लीटर दूध ले रही हूँ जिसे मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया अब मैं साबुदाने को इसमें डाल दे रही हूँ और इसे चलाती रहूँगी क्योंकि साबूदाना नीचे तले में सट सकता है साबूदाना बनाने के लिए हमेशा भारी तले के बर्तन का ही यूज करें दोस्तों ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप तीन सामग्री से इसे आसानी से पंद्रह मिनट में बना सकते हैं इसे मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ दूध में उबाल आने के बाद मैं गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखूँगी और पूरे समय इसे चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही मैं इसे पका लूँगी जैसा कि मैंने कहा मैं इसे तीन सामग्री से ही बनाने वाली हूँ मैंने साबूदाना और दूध तो डाल दिया है और एक सामान और डालूँगी उसके साथ हमारा साबुदाने का खीर कम्प्लीट हो जाएगा दूध गाढ़ा हो चुका है आप देख सकते हैं अब मैं इसमें हाफ़ टिन कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी 200 सौ के बराबर 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद इसमें चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए आप हाफ़ टिन ही कंडेंस्ड मिल्क इसमें यूज़ करें कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद मैं धीमी आँच पर इसे दो मिनट के लिए उबलने दूँगी और इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि ये फ्रिज में रखने के बाद ठंडा होने के बाद बिल्कुल एकदम आइसक्रीम की तरह और बहुत ही मुंह में घुलने वाला हो जाता है ये देखिए कितना क्रीमी कितना रिच बना है हमारा साबुदाने का खीर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा साबूदाना रात भर भिंगा होता है इसलिए ये आसानी से पंद्रह मिनट में बन जाता है मैंने गार्निशिंग के लिए पतला पिस्ता और बादाम काट लिया है जिसे मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर केसर भी डालूंगी और देखिए बनकर तैयार है हमारा साबुदाने का खीर तो आपका भी अगर साबुदाने का खीर खाने का मन हो तो आप इस तरीके से ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपका साबूदाने का खीर कैसा बना है थैंक यू